मित्रों बैंक मनी के दो प्रकार, पहला पेपर ऑर्डर, तो वहां पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ओवर ड्राफ्ट वगैरह बेसिक चीजें मैंने आपको पिछले सेशन में बता दी। इसके अलावा भी IBPS एग्जाम, SBI PO वगैरह में और भी डिटेल में पूछते हैं, तो आप वो सेल्फ स्टडी नेट सर्च से देख लेना। पेपर ऑर्डर में पढ़ाने लायक चीज मैंने अपनी ओर से खत्म कर दी। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, NEFT, RTGS, UPI, BHIM, ये सब, क्योंकि पोस्ट डीमोनेटाइजेशन दिस टॉपिक हैज बीन इन न्यूज, खास करके कि ये रतन वत्तल कमेटी बनाई गई कि डिजिटल पेमेंट को कैसे प्रमोट करे, फिर मोदी ने चंद्रबाबू नायडू कमेटी बनाई, इकोनॉमिक सर्वे ने अपने सुझाव दिए हैं, और इन सब के अंदर से बजट के अंदर कुछ बातें मानी गई हैं, योजना का भी फेब्रुवरी 2017 का इशू की लेस कैश इकोनॉमी में बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, ये सारी बातों का निचोड़ फॉर दिस एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव थिंग्स फॉर मेन्स एंड इंटरव्यू वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बट उससे पहले हमको प्रीलिम के लिए फाउंडेशन बनाना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी और उसकी थियरी वो अभी हम आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, CBS। आपने अहमदाबाद बैठे हैं, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, कहीं से भी आपने गूगल का अकाउंट खोल सकते हो, राइट? बट उसका पूरा डेटा कहां पर होगा, कोई सर्वर के हो, वहां पर सेंट्रलाइज डेटा इज देयर, यूजर नेम, पासवर्ड, आपके ईमेल कौन सा आया गया वगैरह। सेम वे ये बैंक के अंदर भी आपने वो ड्राइव इन रोड पे ब्रांच में अपना खाता खोल लिया, या यूनिवर्सिटी में, या कर्णावती में, कहीं पर भी, तो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह वो ब्रांच के अंदर फिजिकल कॉपी होगा, बट ओवरऑल योर एंटायर डेटाबेस, यूजर अकाउंट वो कहीं और एक बड़े सर्वर में होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि आप चेक वगैरह कुछ डालते हैं तो वो बैंक का स्टाफ कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है, उसको स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखता है, और फिर उस हिसाब से वो पूरा ट्रांजेक्शन होता है। सो दैट होल थिंग इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब कि वो एक सॉफ्टवेयर है और बैकएंड में कहीं वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा आपका डेटा है कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, किस टाइप का खाता है वगैरह वगैरह। सो दैट इज कॉल्ड CBS। अब ये सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि इंफोसिस ने बनाया फिनेकल, TCS ने बनाया BANCS। इन सभी का लाभ क्या है, सेंट्रलाइज बैंकिंग इज पॉसिबल। पहले जो ब्रांच बैंकिंग था, अब वो हो गया ब्रांचलेस बैंकिंग, और अलग अलग जो ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, एम बैंकिंग, वो सब अब संभव है। आपको पता होगा ये बोला जाता है कि RBI इज बैंकर्स बैंक, तो अगर RBI बैंकर्स बैंक है तो मतलब सारे बैंकों का वहां पर खाता होगा, राइट? एंड बिकॉज दीज आर बिजनेस एंटिटी, तो वो सेविंग अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट होगा, तो सभी बैंकों का RBI में करंट अकाउंट होता है, तो वो सारी चीज भी मेंटेन करने के लिए स्वाभाविक है RBI के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा और एक सेंट्रलाइज सर्वर उसका होगा, तो उस सिस्टम को बोलते हैं RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ई कुबेर सॉफ्टवेयर। और पिछले वर्ष ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट लेके आए थे RBI वाले, अब उसका भी पूरा ट्रेडिंग ई कुबेर प्लेटफॉर्म के मार्फत ही होता है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह की बात करेंगे तो हम देखेंगे। खैर, इतना जो पढ़ लिया, ऐसा ये बैंक का टॉपिक है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, लेकिन UPSC में भी प्रश्न पूछा था 2016 की प्रीलिम में कि CBS के बारे में इनमें से सही विधान कौन से हैं। पहला, इट इज अ नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेस, कि कोई भी आदमी कहीं से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। सेकंड, इट इज द एफर्ट ऑफ टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। थर्ड, इट इज द डिटेल प्रोसीजर बाय विच द बैंक विथ ह्यूज NPA इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। अभी आप एलिमिनेशन से जाएंगे तो पता चलेगा ये कोर बैंकिंग CBS का तो मतलब आराम से काम हो सके, इसलिए ऐसा नहीं कि टेक ओवर NPA का कुछ इसमें मसला है। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इस हिसाब से आप एनिमेट करें तो जवाब हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट। तो मतलब एज सच CBS इज अ बैंकिंग टॉपिक, बट UPSC में भी पूछ लेते हैं, देयरफॉर मैं कंबाइन आपको दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात मित्रों, यहाँ पर पूछा है कि CBS के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो, उसके बदले ऐसा पूछता होगा कि फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या करते, 2 and 3 दे आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो उस हिसाब से टिक करना, मतलब जब भी परीक्षा में आप ये करें तो जरा सावधान होना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, अदरवाइज दिमाग में तो सही इंटरप्रिट लगेगा कि ओके दिस दिस, बट जब आप OMR टिक करोगे तो गलत जवाब हो जाएगा। खैर, तो मतलब अब बात क्या हुई कि हर एक बैंक का अपना एक ऑनलाइन प्रकार का सॉफ्टवेयर है जहां पर हर एक कस्टमर का पूरा डेटाबेस और उसके खाते में कितने पैसे हैं वगैरह है। अब उनका आपस में ट्रांजेक्शन करने के लिए भी IFSC कोड है, तो भारत और भारत के बाहर भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से नाउ डिजिटल पेमेंट इज पॉसिबल। तो ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसके प्रकार थियरी पढ़ते हैं। कुल मिला के दो ही प्रकार है, एक कि जहां पर रियल टाइम सेटलमेंट हो जाए, इमीडिएट सेटलमेंट हो जाए, जिसके दो पेटा प्रकार हैं। एक है इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, और दूसरा है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहां पर मतलब एक तरफ से क्लिक किया और सामने तुरंत पैसा पहुंच गया। उसके विपरीत
कुछ ऐसी सिस्टम होती है जहां पर डिलेड सेटलमेंट, डिफर्ड सेटलमेंट, एक एक घंटे बाद, 30 दिन बाद, 45 डेज बाद, ऐसा कुछ होता है। ऐसी सिस्टम के उदाहरण क्या है? नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फिर ECS, मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, NECS होता है बट वी यूजुअली से ECS है। उसी प्रकार का नाच है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ये ECS और नाच का उपयोग क्या है कि हर महीने का बिल पेमेंट करना तो आप अपने आप आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। एंड देन वेरियस कार्ड सिस्टम जहाँ पर ये वीजा मास्टर कार्ड वगैरह चलता है। खैर, इन सबको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब प्रश्न कि इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए इन द ईयर 1991 नरसिम्हन कमेटी बनी थी और उसके बाद वापस वो कमेटी बनाई गई इन द ईयर 1998। तो उस वक्त धीरे धीरे ये कार्ड पेमेंट, ECS, ये सब कुछ मतलब अभी नेशन स्टेज में था और नरसिम्हन को लगा कि इसके ऊपर कोई बराबर से कंट्रोल होना चाहिए। सो ही मेड सम सजेशन। उस हिसाब से सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 पास किया। उसके अंतर्गत RBI के पास सारे रेगुलेटरी पावर्स हैं इन सभी सिस्टम के ऊपर, वो लाइसेंस देना हो, कैसे ऑपरेट करेंगे, कस्टमर का प्रोटेक्शन, वो सारा काम कौन देखती है? RBI देखती है। एक और बात, इन सभी सिस्टम को बैंक वाले डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास IFSC कोड होता है, तो वो एक खाते से दूसरे खाते से आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन बैंक होगी एंटिटी तो फिर उन्होंने बैंक के साथ टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पिछले वर्ष एक सिस्टम आई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI। तो वो सिस्टम के हिसाब से मोबाइल ऐप बनती है और नीचे आप IMPS, नाच वगैरह कर सकते हो। तो ऐसी ऐप बनाई तो SBI वालों ने बनाई, SBI बड़ी, एक्सिस ने बनाया एक्सिस पे। अब क्योंकि ये तो बैंक है, मतलब दे कैन डायरेक्टली टच दिस पॉइंट्स क्योंकि उनका IFSC कोड वगैरह होता है। लेकिन फिर फ्लिपकार्ट ने फोनपे नाम का ऐप बनाया, जैसा पेटीएम है ऐसा फोनपे ऐप बनाया। बट क्योंकि इट इज अ नॉन बैंक एंटिटी तो देयरफॉर दे हैड टू टाई अप विद अ बैंक, यस बैंक, जिसके चलते फिर दे कैन टच दिस वेरियस कंपोनेंट्स। तो मतलब बैंक वाले सीधे एक्सेस कर सकते हैं, नॉन बैंक वाले को बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है। इतना जो पढ़ा उससे कुछ प्रश्न देखते हैं। कुछ कुछ वर्षों में UPSC स्पेशली इन देयर असिस्टेंट कमांड CDS एग्जाम वो एक्रोनिम का फुल फॉर्म पूछते हैं आपको, तो प्रयत्न करते हैं प्रश्न बनाने का। इनमें से सही एक्रोनिम कौन सा है? IMPS इज इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, गलत है, इमीडिएट मनी होगा। नेफ्ट इज नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी गलत है, नेशनल होगा। UPI इज यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ये भी गलत है, UPI यूनिफाइड होगा। तो ऑब्वियसली तीन गलत है, चौथा सही होगा, RTGS, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो फुल फॉर्म भी जरा देख के जाने चाहिए। अब नेफ्ट को जरा समझते हैं। नेफ्ट इज वहां पर आवर्ली सेटलमेंट होता है, समझते हैं। सपोज सुबह 8 से लेकर 9 बजे के बीच SBI के कस्टमर अपने अकाउंट से, SBI के अकाउंट से एक्सिस बैंक में कुछ पैसा भेज रहे हैं। सपोज एक कस्टमर ने भेजा 5 लाख, दूसरे SBI कस्टमर ने भी भेजा 5 लाख, तो मतलब SBI की इस तरफ से एक्सिस में कितना पैसा जा रहा है एक घंटे में? 10 लाख रुपए। और उसके विपरीत उसी 8 से 9 बजे के बीच एक्सिस बैंक के कस्टमर्स ने 5 लाख और 3 लाख, मतलब कुल 8 लाख रुपए SBI की ओर भेजे। तो अब ऐसा नहीं है कि 8 से 9 में इतना ट्रांजेक्शन हुआ तो अब SBI से एक ट्रक निकलेगा 10 लाख रुपए लेके और एक्सिस से एक ट्रक निकलेगा 8 लाख रुपए लेके, ना। ये लोग क्या करेंगे? नेट सेटलमेंट करेंगे। आप इन दोनों का नेट निकालो तो पता चलेगा कि भाई एक्सिस वालों को 2 लाख रुपए का गेन हो रहा है और SBI वालों को 2 लाख का, उनको मतलब कि वहां सामने भेजना चाहिए। सो दे विल नॉट ट्रांसफर द एंटायर अमाउंट, दे विल ओनली ट्रांसफर दिस डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड नेफ्ट। इट इज अ सेटलमेंट सिस्टम वेर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर एक्यूमुलेटेड, है ना, 5 5 10 हो गया, 5 3 8 हो गया, एंड देन ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर, 10 - 8 = 2, एंड ओनली द डिफरेंस, नेट डिफरेंस, दैट वॉज 2 लाख रुपीज, दैट इज ट्रांसफर एट द एंड ऑफ अ गिवन साइकिल, दैट इज नेफ्ट। ठीक है, अभी MCQ के लिए थोड़ा और तैयार करते हैं कि ये नेफ्ट, RTGS और ये IMPS इन तीनों में क्या अंतर है। फोटोग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा कि नेफ्ट और RTGS कौन मेंटेन करता होगा? RBI वाले, वो खुद से ऑपरेट करते हैं। और IMPS कौन ऑपरेट करता है? एक संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ये लोग करते हैं। अवेलेबिलिटी, अब क्योंकि RBI सरकारी संस्था है तो स्वाभाविक है, दिस टू थिंग्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग वीकडेज और उसके जो भी आवर्स होते हैं। उससे विपरीत ये NPCI का IMPS प्लेटफॉर्म, इट इज अवेलेबल 24/7 365 डेज अ ईयर। तो बस याद इतना लगा, ओके इन तीनों में से 24/7 कौन सा? तो बोले IMPS। मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट तो
क्योंकि आरटीजीएस इट इज फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन, तो वहां कम से कम 2 लाख रुपए या उससे अधिक आपने ट्रांसफर करना हो तो ही वहां पर आप जा सकते हो, बाकी दोनों में तो छोटा छोटा भी चल जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट कितना, नेफ्ट में 10 लाख ट्रांसफर कर सकते हो, आरटीजीएस में सबसे ज्यादा 500 करोड़ आप तक आप ट्रांसफर कर, मतलब 2 लाख से लेके 500 करोड़ तक, और आईएमपीएस वो बीच में 10,000 से लेके 2 लाख, डिपेंड कि आईएफएससी कोड और केवाईसी वगैरह क्या है। खैर स्वाभाविक है ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मुफ्त में पैसा ट्रांसफर करने नहीं देंगे, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे विल चार्ज सम मनी, तो वो चार्ज भी होगा और प्लस सर्विस टैक्स भी लगेगा। स्वाभाविक है सबसे ज्यादा कहाँ पे चार्ज मांगते होंगे, आरटीजीएस में। अब इन सभी चीजों के ऊपर हाउ टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, उसके लिए कुछ सुझाव देने थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रतन वत्तल कमेटी बनाई थी, ये रतन वत्तल कमेटी ने कुछ यहाँ पर सुझाव दिए कि इनको और प्रमोट करने के लिए क्या करें। पहला उन्होंने बोला कि इन सभी सिस्टम को 24/7 अवेलेबल कराना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने ही इसका विरोध किया कि भाई ऐसा कौन होगा कि जो रात को 2 बजे 500 करोड़ भेजेगा, उसके लिए वेट करने में हम लोग अगर शनि रवि को भी और 24/7 अगर अपनी ऑफिस और स्टाफ रखें तो वो खर्चा हमारा रिकवर कैसे होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया कि अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो नॉन बैंक वाले हैं उनको बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन टच दिस नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह चीजें। तो रतन वत्तल ने ये बोला कि इवन नॉन बैंक वालों को डायरेक्टली ये सारे एक्सेस पॉइंट मिलने चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है, ताकि आपस में कंपटीशन बढ़े, इनोवेशन बढ़े। तो फिर अब हाल के समय में ये जो आईएमपीएस वाले मिनिमम 5 रुपये चार्ज करते हैं, अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो वो कम होकर 2 रुपये भी चार्ज करेंगे, राइट। एंड देन कस्टमर को लगेगा कि भाई ये सस्ते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो वो कैश का उपयोग कम करेंगे, लाइक दैट वी कैन प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। तो उन्होंने बोला कि रतन वत्तल ने बोला कि भाई ये सारी चीज़ नॉन बैंक वाले भी डायरेक्ट टच कर सके ऐसा आप करिए। लेकिन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी उन्होंने इससे ऐतराज जताया है कि ये जो प्राइवेट कंपनी वाले अपने जो भी डिजिटल वॉलेट ये चलता है फोनपे पेटीएम वगैरह, तो उनको ये सारी सिस्टम में सीधा अगर हमने एक्सेस दे दिया देन इट कुड बी डेंजरस। ये जो आपको पता होगा प्रीपेड कार्ड हम लेने जाते हैं तो एज सच वहाँ पर भी केवाईसी और वो सब तो करना है, बट वो कैसे होता है आप जानते हैं, बस टिक कर दिया एक साइन करो और काम हो गया। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, अदरवाइज मनी लॉन्ड्रिंग और सम स्कैम कैन हैपन। ओनली बैंकिंग एंटिटीज शुड बी अलाउड टू डायरेक्टली टच सच डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। आगे हमने देखा कि आरबीआई वाले एज सच दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ वेरियस पेमेंट सिस्टम, बट साथ ही साथ उन्होंने खुद की भी दुकान खोल के रखी है कि नेफ्ट और आरटीजीएस से ट्रांसफर करा लो आप। तो रतन वत्तल ने इससे ऐतराज जताया कि रेगुलेटर ने अपनी खुद की ऐसी दुकान नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम वो खुद से लाइन बिछाते थे, लेकिन बाद में जब वो ट्राई के साथ मिलकर अब वो केवल रेगुलेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का ही काम करते हैं, बाकी सरकारी लाइन बिछाना कौन देखता है, बीएसएनएल वाले अलग से एक कॉरपोरेशन बना दिया। सेम वे ये नेफ्ट और आरटीजीएस वो भी कहीं और कोई करे, आरबीआई ने ऐसी कमर्शियल सर्विस नहीं देनी चाहिए, दे शुड ओनली लुक आफ्टर द रेगुलेटरी फंक्शंस। तो मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्लासिफिकेशन, 2 प्रकार होते हैं रियल टाइम एंड डिलेड सेटलमेंट। अब तक हमने देख लिया कि आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड नेफ्ट, यहाँ पर मैंने ग्रीन टिक मारे हैं आरटीजीएस और नेफ्ट के ऊपर, और आरबीआई का लॉगो वहां पर भी ग्रीन शेड है, तो मतलब आरबीआई इन दोनों को मेंटेन करता है, जबकि आईएमपीएस तो उसे एनपीसीआई मेंटेन करता है। अभी आगे बढ़ते हैं और डिलेड सेटलमेंट के अंदर 2 प्रकार देखते हैं, ECS एंड NACH। ये क्या है, सपोज आपने BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन लिया है तो हर महीने आप या तो उसकी बिल की लाइन कतार में खड़े रहो और कैश में भुगतान कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गिव अ स्टैंडिंग ऑर्डर, ऐसा फॉर्म होता है वहां पर आप टिक करके लिख दो कि भाई मेरे ये वाले बैंक अकाउंट से आप अपने आप बिल के पैसे काट लेना हर महीने। तो ये चीज पे आप दे पाएंगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, दैट इज ECS। तो ये एक सुविधा हो गई कि महीने महीने का पेमेंट अपने आप हो जाए, लाइन में खड़ा नहीं रहना है। उसी प्रकार अगर आपने ये रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है तो वहाँ पर भी फॉर्म है, बट आप पाएंगे कि वहाँ ECS का भी सुविधा है और NACH ऐसा भी लिखा है। तो ये NACH और ECS चीज़ क्या है, बेसिकली बोथ थिंग्स आर डिलेड सेटलमेंट ऑफ बल्क पेमेंट्स, और वो भी ऑटोमेटिकली, मतलब बिल का हर महीने ऐसा हो गया। ECS तो फोटो देख के पता चल जाएगा कि उसका कौन ऑपरेशन करता है, आरबीआई वाले खुद चलाते हैं। सो एट नेशनल लेवल ECS इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, और लोकल और रीजनल लेवल पे वो अलग अलग शेड्यूल कमर्शियल बैंक को डेजिग्नेट कर देते हैं, वो अपना उस हिसाब से काम देख लेंगे। उससे विपरीत NACH तो केवल पूरे भारत के अंदर एक ही संस्था अपने आप मेंटेन करती है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और हाल के समय में ज़्यादातर बैंक वाले धीरे धीरे ECS से हट के NACH की ओर जा रहे हैं।
अब ये नाच में नाचने का मजा क्या है? कस्टमर को ये मजा आएगा कि ऑटोमेटेड मंथली पेमेंट हो जाएंगे, चाहे वो लाइट बिल भरना है, फोन बिल, डिश टीवी, डीटीएच वगैरह, या फिर कि लोन का हफ्ता देना, ईएमआई, इंश्योरेंस का प्रीमियम, जो भी ऐसे ऑटोमेटेड आप चाहते हैं कि रेगुलर पेमेंट होते रहें, वो काम हो जाएगा। कंपनियों को क्या फायदा? वो सारे अपने एम्प्लॉयज को एक साथ बल्क में ऑर्डर दे दिया और सैलरी उनके खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। उसी प्रकार पेंशन का पैसा हो, डिविडेंड का पैसा हो, बॉन्ड धारकों को ब्याज का पैसा देना है, वो सारा काम हो सकता है। सरकार को क्या लाभ? वो भी इसी प्रकार से कोई डिपार्टमेंट वाले बस कंप्यूटर में टाइप करें और जो भी जनधन आधार अकाउंट है वहां पर ये एलपीजी सब्सिडी या स्कॉलरशिप कुछ ट्रांसफर करना है, अपने आप हो सकता है। और भविष्य में अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाए तो भी ये एक ही बार टाइप किया और पर मंथ या पर ईयर अपने आप सभी लोगों के खाते में स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारा काम हो सकता है यूजिंग ईसीएस एंड नाच। नाच क्योंकि आजकल ज्यादा उसका प्रयोग होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था ने इसे बनाया है। उन्होंने पूरा टाइमलाइन कैसे किया? 2011 में उन्होंने एक आधार इनेबल पेमेंट ब्रिज बनाया, 2012 में उन्होंने ये नाच नाम का प्लेटफॉर्म बनाया, 2013 में दोनों को कंबाइन कर दिया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर ईबीटी सिस्टम लागू कर दिया। तो मतलब ये पूरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा आधार ऑथेंटिकेशन के साथ हो सकता है, ऐसी उन्होंने सुविधा कर दी। तो मतलब ये नाच सिस्टम और उससे कैसे पूरी ये बेनिफिशियरी को पैसा भेजा जा सकता है। सपोज देर इज वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो स्वाभाविक है सरकारी बैंक में ही खाता खुला होगा, तो वो हो जाएगी स्पॉन्सर बैंक। अब ये डिपार्टमेंट वाले वहां पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हर महीने या हर साल ये वाले लाभार्थी को इतना पैसा भेजना है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन फिर बैंक से जाके जाएंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसके ये नाच प्लेटफॉर्म के अंदर, और उस हिसाब से फिर सामने जो भी बेनिफिशियरी है और उसका जिस भी बैंक में खाता हो, चाहे वो एक्सिस बैंक में हो, आईसीआईसीआई कहीं पर भी, उसमें फिर वो पैसा चाहे एलपीजी सब्सिडी का हो, स्कॉलरशिप का हो, एक्स वाई जेड, वो पैसा उसको मिल जाएगा। सो लाइक दैट दिस सिस्टम वर्क्स। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्लासिफिकेशन हमने आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेफ्ट, ईसीएस, नाच तक हमने पढ़ लिया। और क्योंकि ये ग्रीन वाले वो कौन ऑपरेट करता है, तो आरबीआई, ब्लू वाले तो एनपीसीआई। अभी एक सिस्टम बच गया कार्ड सिस्टम, जो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जरा एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। जब मैं बोलूँ एंटरटेनमेंट सिस्टम तो उसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो डीटीएच, ये डिश टीवी, क्राटा स्काई जो आप घर पे देखते हो, और दूसरा प्रकार हो सकता है सिनेमा, क्योंकि पहले उसमें भी वो रील लेके जाते थे बट अब तो वहीं पर भी ये सैटेलाइट से वो पूरा काम होता है। तो मतलब एंटरटेनमेंट सिस्टम के दो प्रकार हो सकते हैं, डीटीएच घर बैठे देखा या सिनेमा हॉल में जाके कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन ये एंटरटेनमेंट दो सिस्टम है उसको प्रोवाइड करने वाले एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर तो उसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे हीरो हो सकता है, नॉन हीरो मतलब सोप ओपेरा स्टार कोई आप देख लो, सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, एंड देन दिस एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर सब कैटेगरी हीरो, तो वो दोनों टाइप की सिस्टम भी प्रोवाइड में हो सकता है। जैसे सलमान खान बिग बॉस में भी होते हैं टीवी पर और सिनेमा में फिल्में उनकी आती हैं, राइट? सो सिमिलरली ये कंसेप्ट के हिसाब से आप चलो कि जब मैं बोलूँ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो सिस्टम के केवल दो ही प्रकार हैं, रियल टाइम और दूसरा है डिलेड सेटलमेंट। लेकिन ये सिस्टम प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर तो उसके कौन से प्रकार हो सकते हैं? वो बैंक भी हो सकता है और नॉन बैंक भी हो सकता है, और बैंक वाले भी फिर वो रियल टाइम में भी हो सकता है जैसे कि अपना आरटीजीएस देख लो, और डिलेड भी हो सकता है जैसे अपना नेफ्ट देख लो। सेम वे नॉन बैंक से भी आईएमपीएस से कुछ होगा तो रियल टाइम, नेफ्ट से होगा तो डिलेड। सो लाइक दैट अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम तो है ही, लेकिन उसको प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर्स के दो प्रकार, बैंक हो सकता है, वो आपको कार्ड भी दे सकते हैं, एटीएम मशीन भी चला सकते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, वॉलेट, आईएमपीएस, यूपीआई सब कुछ दे सकते हैं, और उससे विपरीत नॉन बैंक, तो सपोज बैंक ने आपको कार्ड दिया बट उसका नेटवर्क ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, बैंकों का अपना एटीएम हो सकता है, तो नॉन बैंक वाले भी एटीएम चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। इनका नेफ्ट आरटीजीएस तो सामने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, तो वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ये क्या है, नॉन बैंकिंग एंटिटी, और वो भी पैसा ट्रांसफर करने में आपको मदद कर सकते हैं, और उनके भी नॉन बैंक के भी ऐसे पेटीएम वगैरह, वॉलेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो सकता है। तो एक तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो सकता है। सेकंड क्लासिफिकेशन, ये जितने भी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है मैंने आपको बताया दो क्लासिफिकेशन कैसा कि बैंक एंड नॉन बैंक, उससे विपरीत आरबीआई को, आरबीआई के द्वारा उनको किस प्रकार का लाइसेंस दिया है उस प्रकार से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक प्रकार ये होता है कि क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर इनबाउंड, बाहर से जो पैसा भारत में लाने के लिए जिनको लाइसेंस दिया गया है, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन है, मनीग्राम है, कुल मिला के ऐसी 8 एंटिटी है, उसके सामने भारत से रेमिटेंस में बाहर पैसा भेजने को, तो उसे बोला गया कि
इंस्टेंट मनी ट्रांसफर IMT, और उसके लिए RBI ने केवल एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया है, एमपेज। और एमपेज वाले फिर अलग अलग बैंकों के साथ वो नेटवर्क करके फिर आप पैसा बाहर भेज सकते हो। तो ये दोनों क्या है, क्रॉस बॉर्डर के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिटकॉइन और उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे बताए थे। तो अपनी ICICI बैंक, उन्होंने दुबई के एमिरेट बैंक के साथ एक कुछ डील कर दिया और आपस में एक ब्लॉकचेन नेटवर्क फिट किया है। तो मतलब यहाँ से वहाँ पैसा आप एकदम सिक्योरली भेज सकते हैं, कम खर्चे में, कम लागत में हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर भविष्य में सारी बैंक इस प्रकार की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना ले भारत में और विदेश में भी, तो फिर ये बिचौलियों की ऐसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह की जरूरत नहीं होगी। तो वो जितना भी कमीशन खाते थे उस हिसाब से ट्रांजेक्शन जितना महंगा हो जाता था, दोस थिंग्स कैन बी वर्कड आउट। तीसरा प्रकार, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां पर कोई सर्विस आपको प्रोवाइड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदी करें तो वो वीजा मास्टर कार्ड वाले नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, कि सामने से सामान हमने लिया और इधर से हमने पेमेंट किया एंड सो ऑन। उसी प्रकार ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक तरफ से कोई आदमी पैसा दे रहा है और सामने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, कोई मनी मार्केट, टी बिल, कमर्शियल पेपर वगैरह हो रहा है, तो उसके ऊपर ये पूरा नेटवर्क मेंटेन करने के लिए पैसों का लेन देन वो जो संस्था मेंटेन करती है, केवल एक कोई लाइसेंस मिला है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। अब ये क्या काम करती है, भविष्य में जब फाइनेंस वाले पिलर में आएंगे तो हम देखेंगे। एंड सेम वे रिटेल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर भी केवल एक ही संस्था को लाइसेंस है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे CTS मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ा है, नाथ जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, NFS, IMPS, UPI वगैरह अभी हम देखेंगे। मतलब कि मित्रों, डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, एक तो क्लासिफिकेशन हो सकता है कि बैंक वर्सेस नॉन बैंक, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसे हो सकता है कि वो किस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको, क्रॉस बॉर्डर वाले होते हैं, फाइनेंस मार्केट वाले होते हैं, रिटेल मार्केट वाले होते हैं, कुछ और भी प्रकार हैं। कार्ड पेमेंट नेटवर्क, तो वो तो आसान है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीजा, डायनर्स क्लब वगैरह। और देशी अपना है NPCI का रुपे कार्ड नेटवर्क। कुल मिला के ऐसे 5 कार्ड नेटवर्क को भारत में RBI ने लाइसेंस दिया है। फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने ये वो अमेजोन वगैरह के आप गिफ्ट कार्ड खरीद लेते हैं और फिर उससे शॉपिंग कर सकते हैं, उसी प्रकार ये रेमंड्स वगैरह के, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मोबाइल वॉलेट्स। कुल मिला के 48 एंटिटीज भारत में रजिस्टर्ड हैं। प्रमुख उसके उदाहरण क्या है, पेटीएम मोबाइल वॉलेट है, बट बैकएंड में जो कंपनी है उसका नाम है 197। उसी प्रकार फोन पे, इट इज अ वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, और बैकएंड में कंपनी क्या है, फ्लिपकार्ट, पेयू है, एयरटेल मनी, वोडाफोन, एम पैसा, वोडाफोन का एम पैसा, फ्री चार्ज वगैरह। फिर ये अमेजोन के गिफ्ट कार्ड जो चलते हैं, तो बैकएंड में कंपनी वो कौन ऑपरेट करी, क्विक सिल्वर, उन्होंने लाइसेंस लिया है। देन जियो मनी किसका है, ईजी, मुकेश भाई अंबानी। मोबो मनी वो किसका है, टेक महिंद्रा का। सो लाइक दैट वेरियस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मोबाइल वॉलेट, वो पूरी एक ही कैटेगरी है। कुल मिला के 48 एंटिटीज हैव गॉट द लाइसेंस। एंड लास्ट प्रकार ATM, तो ATM बैंक का भी हो सकता है, ब्राउन लेवल या व्हाइट लेवल हो सकता है। तो मतलब कि मित्रों, किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है उस हिसाब से RBI का ये क्लासिफिकेशन, 7 अलग अलग मैंने आपको पढ़ाए। और इन सभी लोगों ने, बिकॉज देर इज अ प्रोविजन इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इन सभी लोगों ने RBI में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है, लाइसेंस परमिशन लेना पड़ता है, और फिर ही अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं ATM से, पढ़ते हैं कि ATM काम कैसे करता है, ये व्हाइट लेवल ATM क्या है। भारत के अंदर ATM नेटवर्क काम कैसे करता है, तो जब भी आप अपना कार्ड ATM में डालेंगे तो वहां से वो सारा ट्रांजेक्शन डिटेल्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उनका नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS, वहां पर वो पूरा जाएगा। और जैसे पिन कोड के हिसाब से अपनी टपाल सॉर्ट आउट हो जाती है, उसी प्रकार ये NFS स्विच से आप ICICI के ATM में भी SBI का कार्ड डालोगे फिर भी काम तो हो ही जाएगा, बट वो फिर ऊपर चल के वो अपने आप डेटा सॉर्ट कर लेगा कि ओके ये SBI का कार्ड था, तो फिर SBI के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS पोर्टल में हो जाएगा और उसी हिसाब से आपके फिर खाते में पैसे जमा हुए, कार्ड दिए, वट एवर, लाइक दैट इट विल बी डन। तो मतलब अलग अलग बैंकों के CBS पोर्टल में फिर डेटा चला जाएगा। अब ये जो ATM मशीन नीचे जो चल रहा है, तो बैंक का खुद का हो सकता है। कई बार वो ये करेंगे कि पूरा ऑपरेट करने का, उसमें कैश डालने का वगैरह काम किसी संस्था को आउटसोर्स कर देंगे, देन दे आर कॉल्ड ब्राउन लेबल ATMs। या फिर तीसरा प्रकार कि कोई नॉन बैंक एंटिटी अपना ही ATM खोल दे, कि वो जमीन उसका, भाड़ा भी उसका, वहाँ लाइट बिल, फोन बिल, वो भी उसका, गार्ड भी उसका, एंड एवरीथिंग। सो दोज आर कॉल्ड व्हाइट लेबल ATMs। जैसे कि आप ये फोटो में देखो, मुथूट ATM। अभी मुथूट तो आपको पता होगा, इट इज अ गोल्ड लोन कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो वो अपना ATM चला सकती है का? हाँ,
2013 से अनुमति दी गई। अब यहाँ पर भी लेबल तो है किसका, मुथूट का, बट बिकॉज इट इज अ नॉन बैंकिंग एंटिटी देयरफॉर दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। अब प्रश्न, मुथूट के पास इतना पैसा किधर से आता होगा कि वो अपना एटीएम के अलग अलग ट्रे में पैसा डाले, राइट? ऑब्वियसली किसी बैंक के साथ वो टाई अप करेंगे, तो ऐसे बैंक को बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक। जैसे कि ये मुथूट व्हाइट लेबल एटीएम वालों ने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया है, तो फेडरल बैंक के अंदर जो भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह से पैसा आता होगा वो जाके वो इस एटीएम के अंदर वो ट्रे में डाल देंगे, और फिर स्वाभाविक है आपस में कमीशन शेयरिंग एंड एवरीथिंग विल बी देयर। 2015 में अलग अलग स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया। अब उन बैंकों के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो खुद से अपना एक एटीएम नेटवर्क पूरे भारत में मेंटेन करें, और उससे विपरीत ये व्हाइट लेबल नॉन बैंकिंग एंटिटी के पास ये समस्या है कि कैश कहाँ से लाएंगे ट्रे में भरने के लिए। तो नाउ दे बोथ आर ट्राइंग टू टाइप विथ ईच अदर ताकि साइनर्जी क्रिएट हो सके। खैर, ये सभी व्हाइट लेबल एटीएम उनको भी अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 आरबीआई के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। एज सच 2013 में आरबीआई ने इनके लाइसेंस के लिए अर्जियां मंगाई थी और 8 एंटिटी को लाइसेंस दिया, जिसमें अपने को याद रखने लायक दो हैं, टाटा कम्युनिकेशन उनको मिला, उनका ब्रांड नेम यहाँ पर है इंडी कैश, एंड मुथूट फाइनेंस वो आप जानते हैं। अब मित्रों आपको पता होगा कि साल 2013-14 के अंदर दो प्राइवेट कमर्शियल बैंक को लाइसेंस दिया गया, बंधन एंड आईडीएफसी। लेकिन एक समस्या थी कि ये लोग तो केवल शहरों में अगर ऑपरेट करेंगे तो इसमें ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे, तो उनके ऊपर लाइसेंस की शर्त ये थी कि जो भी वो ब्रांच खोले उसकी 25% ऑफ देम हैव टू बी इन द अनबैंक रूरल एरियाज। उसी प्रकार जब आरबीआई ने ये नॉन बैंकिंग एंटिटी को अपना व्हाइट लेबल एटीएम खोलने की अनुमति दी, तो उस लाइसेंस में भी शर्त की गई कि जब आप एक एटीएम शहरों में खोलोगे तो सामने दो एटीएम सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में लगाने पड़ेंगे ताकि स्प्रेड बढ़े और पूरे भारत के अंदर ये नेटवर्क प्रस्थापित हो, सबको लाभ मिले वगैरह वगैरह। अब तक करीब 13,000 से ज़्यादा एटीएम ये लोग व्हाइट लेबल में फिट कर चुके हैं। थोड़ा और देखते हैं, एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कॉमन सेंस से पता चलता है कि उसके अंदर ये कुछ ट्रे होती होंगी जिसमें पैसा डालते हैं और फिर ट्रांजेक्शन होता है। तो ये जो ट्रे है टेक्निकली दे आर कॉल्ड कैसेट्स, वो दो भी हो सकती है चार भी हो सकती है। अगर चार ट्रे होंगी तो वहाँ पर पैसा कुछ इस तरह से रखा जाता है कि 1,000 के नोट होंगे, बाकी दो ट्रे के अंदर 500-500 के नोट होंगे और एक ट्रे के अंदर 100 रुपये के नोट होंगे। बट एक समस्या आई, क्या ये विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन के बाद 1,000 के नोट तो है नहीं और नए 2,000 के नोट तो उनका जरा साइज उस हिसाब से ट्रे को एडजस्ट करना पड़ेगा, और 500 के भी पुराने के बदले नए डालने हैं, 100 तो जैसा था वैसे ही रहेगा, तो मतलब आपने क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस 2,000 रुपी नोट ट्रे का साइज में कुछ बदलाव करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर को भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि जो 1,000 की ट्रे थी उसमें अब 2,000 का नोट है तो उस हिसाब से काउंट करके पैसा देना। सो दिस साइज चेंज एंड सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन इट इज कॉल्ड रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम मशीन्स, और ये पूरे भारत में सिस्टमेटिकली हो सके उसके लिए आरबीआई ने डेप्यूटी गवर्नर एसएस मुंद्रा के हाथ के नीचे एक टास्क फोर्स बनाया था ताकि ये 500-2,000 के नए नोट सिस्टम ऑपरेट कर सके एटीएम में। और आईसीआईसीआई वाले क्लेम करते हैं कि पूरे भारत में सबसे पहले हमने ये रिकैलिब्रेशन का काम किया था। खैर, हमने देखा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, हर एक बैंक का अपना एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, फिनेकल, बांसीएस, इवन आरबीआई का भी है क्या, ई कुबेर, तो वहां पर इस प्रकार के नाम के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो एटीएम मशीन चलता है उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, शुरुआती वर्षों में वहाँ विंडोज एक्सपी बेस्ड सिस्टम रहता था, लेकिन फिर आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एंडेड द सपोर्ट फॉर विंडोज एक्सपी, मतलब नई वहाँ पर अपडेट्स नहीं आएंगी, सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएंगी, तो भविष्य में हो सकता है हैकर्स कुछ उसके अंदर बैकडोर की मदद से कुछ गड़बड़ कर दे, राइट? सो व्हेन विंडोज एक्सपी सपोर्ट एंडेड ऑल दिस एटीएम मशीन्स दे हैड टू अपग्रेड देयर सिस्टम। तो भारत के अंदर एटीएम मशीन बनाने वाली कंपनियां, उसमें एक बड़ा नाम है वॉटेक्स, जो भारत की देशी कंपनी है, उन्होंने फिर एक्सपी छोड़ के एक अपना लिनक्स सिस्टम अलग से तैयार करके वो लगाते हैं। उसके विपरीत हिताची, हिताची नाम से स्वाभाविक है जापानीज कंपनी है, उन्होंने विंडोज एक्सपी से अपग्रेड होकर विंडोज 7 सिस्टम डाल दिया, लेकिन वहां पर आपको पता होगा 2016 के अंदर 30 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए बिकॉज ये वाली सिस्टम में पीसी ने कुछ मालवेयर इंजेक्ट कर दिया था। खैर, एज सच हिताची इट इज अ जापानीज कंपनी, बट नाउ वो मेक इन इंडिया के तहत, और अब क्योंकि नए बजट में बोला है कोई एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी, सो नाउ दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि भारत में ही उत्पादन करेंगे। इसके अलावा सीडेक नाम की एक सरकारी संस्था, उन्होंने भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, नाम बोला है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस,
पर्पस था कि ये कंप्यूटर एजुकेशनल कंप्यूटर टैबलेट वगैरह में ये डालेंगे, और उनका भी ऐसे था कि हम भी ये एटीएम के अंदर भी कुछ यूज़ किया जाए। बट बाय एंड लार्ज आज की तारीख में क्या है, लिनक्स बेस्ड अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तैयार करके यूज़ करते हैं। बॉस का तो अभी जब होगा तब होगा, अदरवाइज कंपनीज विल यूज आइदर लिनक्स और विंडोज 7 और विंडोज 10 और समथिंग लाइक दैट। ये माइक्रो एटीएम चीज़ क्या है? ये भाई साहब उनके हाथ में ये एक मशीन है और वो बैंक का कोई कार्ड ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये जो मशीन है उसको बोलते हैं माइक्रो एटीएम। तो क्या ऐसा होता होगा कि वहाँ नोट की छोटे छोटे फोल्ड करके डाला होगा, या फिर कोई नैनो टेक्नोलॉजी है जिससे अपने आप वहाँ से नोट प्रिंट होके आता है, ऐसा है क्या? नहीं, ये माइक्रो एटीएम इट इज़ बेसिकली अ हैंडहेल्ड डिवाइस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जैसा कार्ड रीडर मशीन ही है। आप उसमें कार्ड डालो या अंगूठा मारो तो आधार लिंक जो भी अकाउंट हो वहाँ से, और फिर आप ये भाई साहब को बोलो कि मुझे इतने पैसे निकालने या जमा करने हैं, तो वो मैन्युअली अपनी जेब से आपको करके देगा। ठीक है, सो मशीन इज ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग यू, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन इज डन मैन्युअली। ऐसा नहीं कि ये छोटे मशीन के अंदर छोटे छोटे नोट डाल के देते हैं। सो दिस इज माइक्रो एटीएम, अपना देसी जुगाड़ है, और ये इस प्रकार की मशीन ये बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंट या शॉपकीपर इन सब के काम हो सकता है। नए बजट में ऐसे मशीन बाहर से इंपोर्ट किए तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, भारत के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग किया तो कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि ये मशीन सस्ते और ज़्यादा ज़्यादा इनका एडॉप्शन हो सके। ठीक है मित्रों, तो डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर उसके 7 प्रकार हैं जिनमें हमने ये एटीएम देख लिया। अब ये कार्ड पेमेंट नेटवर्क उसके ऊपर जरा प्रकाश डालते हैं। कार्ड पेमेंट नेटवर्क क्या है? सपोज एक्सिस बैंक वाले अपना हर एक व्यापारी को जाके अपना एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल दे दें और उसके साथ एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करें कि हमारा कार्ड केवल इस मशीन में ही डालना है, और एसबीआई वाले भी अपना अलग से इस प्रकार का मशीन फिट कराए कि हमारा कार्ड केवल इसमें ही डालना है। सो दिस विल लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बहुत महंगा हो जाएगा। और चलो एसबीआई तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है ब्रांच और वगैरह के हिसाब से, तो वो तो पूरे भारत में सभी व्यापारी को कवर कर ले, बट स्टिल पूरे विश्व में जाके हर एक व्यापारी से तो टाइप कर नहीं पाएगी, तो फिर अपना एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अमेरिका जाके काम करेगा नहीं, है ना। सो वर्ल्ड वाइड रीच अपनी हो सके और सस्ते में काम हो जाए, उसके लिए कुछ बिचौलिए लोग आ गए जिन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली कि मर्चेंट के साथ ये पूरा टाइप करके नेटवर्क ऑपरेट करने का काम हमारा। फॉर एग्जाम्पल वीजा कार्ड, तो इट इज़ कॉल्ड अ पेमेंट गेटवे। ये क्या करेंगे, हर एक बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके ऊपर ये लोगो है, देखिए वीजा, तो मतलब कि बैकएंड में वो लोग सर्विस दे रहे हैं और उन्होंने सभी मर्चेंट के साथ टाइप किया है। उसी प्रकार से मास्टर कार्ड भी हो सकता है, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह। इससे लाभ ये है कि बैंक वालों को खुद से पूरा मैन्युअली सभी के साथ टाइप करना नहीं पड़ता। अब स्वाभाविक है ये वीजा कार्ड वाला इस प्रकार की मिडलमैन सर्विस दे रहा है तो वो कोई मुफ्त तो करेगा नहीं है, कोई चैरिटी तो है नहीं, वो एक कमीशन एजेंट है और हर वर्ष करीब करीब 300 करोड़ रुपए वो कमीशन में चार्ज करता है कार्ड पेमेंट के ऊपर। अब ये कमीशन भी स्वाभाविक है, बैंक वाले अपने प्रॉफिट से तो वो निकाल के देंगे नहीं। सो अल्टीमेटली इट इज़ बॉर्न बाय द मर्चेंट्स, जो मर्चेंट आप हर बार ट्रांजेक्शन करते हैं, और सपोज आपने मर्चेंट को 10,000 रुपये दिए तो वो ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से 1% 2% ऐसा मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में उसने इन लोगों को पे करना पड़ता है। और उससे विपरीत जो आम क्लाइंट है, कस्टमर है, उसके पास जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के हिसाब से 99 रुपीज़ 499 रुपीज़ 4999 रुपीज़, अगर आपका प्लेटिनम क्वालिटी का कार्ड है तो उस हिसाब से आपको भी देने पड़ते हैं। सो दिस पेमेंट गेटवे वो मिडलमैन का काम करते हैं और द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज अल्टीमेटली बॉर्न बाय द मर्चेंट्स एंड द कस्टमर्स क्लाइंट्स। तो मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस प्रकार की इंटरनेशनल कंपनियां तो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भारत की एक देशी कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनको लगा कि कुछ स्वदेशी ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, सो दे केम अप विद दिस रुपे नेटवर्क। काम तो वही है कि अलग अलग मर्चेंट वगैरह के साथ टाइप करके ये पूरा कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करना है। तो जो रुपे कार्ड होगा मतलब बैंक के द्वारा इशू किया जाएगा, बट उसके ऊपर रुपे लोगो होगा, मतलब ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और वो लोग विदेशी कंपनियों से थोड़ा 40% लेस कमीशन चार्ज करते हैं। अब एनपीसीआई वालों ने जब ये रुपे लॉन्च किया तो फेज वाइज दे मूव्ड, शुरुआत में ऐसे कार्ड बनाए जो केवल एटीएम में यूज कर सकते थे, फिर ऐसे कार्ड बनाए जो कि एटीएम में भी यूज होंगे और ये जो व्यापारी के पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होते हैं वहां पर भी यूज कर सकते। देन इन द थर्ड स्टेज फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी ई कॉमर्स साइट पर भी यूज हो सके, ऐसे कार्ड बनाए। फोर्थ स्टेज के अंदर ईएमवी टेक्नोलॉजी वाले कॉन्टैक्टलेस कार्ड, ये क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा। एंड फिफ्थ फेज तब जाके वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। तो मतलब शुरुआत के समय में जो भी रुपए कार्ड चले वो सारे डेबिट कार्ड प्रकार के हैं, क्रेडिट कार्ड तो अभी वो ये 2016 के अंदर रिपोर्ट था कि भाई दिसंबर में लॉन्च करने वाले हैं।
खैर समझ में आया वो तो ठीक, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद क्या, कि ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, चाइना का यूनियन पे, ये सारे पेमेंट गेटवे है। और ऐसा रुपए विश्व का सातवां अजूबा है, सेवंथ पेमेंट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। तीन चैनल से चकता है, एटीएम मशीन में भी डिटेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में भी डिटेक्ट हो जाएगा, और ऑनलाइन भी आप खरीदी कर सकते हो। यहाँ पर भी जैसे मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह में कैशबैक, लॉन्ज एक्सेस वगैरह की सुविधा होती है, ये लोग भी ऑफर करते हैं। सभी प्रकार के बैंक ये इशू करते हैं, इवन रेलवे और डेयरी जैसी संस्थाएं भी अपना खुद से प्रीपेड कार्ड इस प्रकार के रुपए टेक्नोलॉजी की मदद से वो इशू कर रहे हैं। अगर किसी गरीब आदमी का प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोला जाता है तो उसको मुफ्त में ये रुपए कार्ड दिया जाता है, और साथ ही साथ सुविधा होती है कि उसे 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। अब स्वाभाविक है ये जो इंश्योरेंस लिया है तो प्रीमियम भरना पड़ेगा, ये प्रीमियम कौन भरता है? एनपीसीआई संस्था जो कि रुपए कार्ड ऑपरेट कर रही है वो भरती है प्रीमियम। लेकिन उस उन्होंने ये शर्त की है कि गरीब आदमी ने भी हर 45 दिनों में कम से कम एक बार तो ये कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जब वो कार्ड यूज करेगा तभी बीच में इनको कुछ कमीशन मिलेगा ट्रांजेक्शन पे, राइट? ओनली देन दे कैन पे योर प्रीमियम, तो ये शर्त है उनकी। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट कार्ड तो सबसे पहले पूरी दुनिया में किसने बनाया, भारत में कब लागू हुआ, पूरी मैंने क्रोनोलॉजी दी है, अगर बैंक की परीक्षा है तो आप ये पढ़ लेना। कार्ड के दो प्रकार, एक होता है क्रेडिट कार्ड, मतलब कि आपने अभी खरीदी की और 30 to 45 days आपको ग्रेस पीरियड है, तब तक पे कर लेना। उसकी भी अलग अलग लिमिट होती है, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, अलग अलग प्रकार, बैंकों के लिए घर पे पढ़ लेना। उसके विपरीत डेबिट कार्ड, या कि ऐसे जहाँ पर कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, खाते में पैसा है तो ही काम कर सकता है, तो एटीएम कार्ड हो सकते हैं, डेबिट कार्ड हो सकते हैं, प्रीपेड कार्ड हो सकते हैं। कार्ड की टेक्नोलॉजी, 60s के दशक से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड चलते थे, कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर आपके अकाउंट नंबर वगैरह डेटा स्टोर होगा, बट यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंज थी, कोई भी स्कैमस्टर उसको डुप्लीकेशन करना, स्कीमिंग करना, क्लोनिंग करना, ये सारा रिलेटिवली दैट वाज इजियर। तो फिर यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा, ईएमवी ग्रुप, इन तीनों पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसको बोला गया ईएमवी चिप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपने सिम कार्ड के अंदर जैसा चिप होता है वैसा ही ये कार्ड के अंदर भी होता है, तो इट इज़ मोर इंक्रिप्टेड, उसका ये डुप्लीकेशन, क्लोनिंग, स्कीमिंग करना जरा मुश्किल होता है। और 2013 में आरबीआई ने सभी बैंक वगैरह को बोला कि आप मैग्नेटिक नहीं इस प्रकार के कार्ड अब इशू करो। अब ईएमवी कार्ड के भी टू सब टाइप्स, कॉन्टैक्ट टाइप का कार्ड होता है, मतलब कि जब तक ट्रांजेक्शन खत्म ना हो एटीएम या पीओएस मशीन के अंदर उसको लगा के रखना पड़ता है, तो कॉन्टैक्ट कार्ड। और उसके विपरीत ईएमवी कॉन्टैक्टलेस कार्ड भी हो सकते हैं, मतलब वो मशीन में फिट नहीं करना, बस एकदम करीब से आप लेके जाओ और फिर अपने आप ट्रांजेक्शन हो गया। तो जैसे कि ये मतलब अमेरिका के अंदर मेट्रो, रेल वगैरह के जो प्रीपेड कार्ड होते हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, पहले आपको पता होगा मित्रों कि ये हम टोल नाके पे जाते थे तो फिर चुट्टा निकालो, काउंटर पे दो और फिर गाड़ी अपनी आगे चलेगी। उसके बदले ये आईसीआईसीआई वाले एक प्रीपेड कार्ड लेके आए फास्टैग, तो वो बस 100 रुपये का कार्ड समझो कि आपने खरीदा, विंडशील्ड पे आप चिपका दो और फिर आपकी गाड़ी जब टोल नाके से जाएगी तो वहाँ ऊपर एक आरएफआईडी रीडर होता है, वो अपने आप डिटेक्ट करेगा, अच्छा ये वाला कार्ड जिसके अंदर बैलेंस 100 रुपये है और यहाँ के जाने के 13 रुपये हैं, तो -13 करके आपकी गाड़ी आगे चली गई। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से चलता है, लॉजिस्टिक, व्हीकल डिटेक्शन, बहुत सारे इसके लाभ हैं, है ना? पीडीएस ग्रेन के अंदर ऐसी छोटी चिप डाल दी और फिर कुछ डिटेक्ट हो जाए कि कहाँ लीकेज हो रहा है वगैरह। अगर ये कार्ड उसका कोई आसपास पावर सोर्स नहीं हो तो 25 मीटर तक ये पूरा डिटेक्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, और अगर किसी पावर सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया हो तो फिर वो 100 मीटर तक कोई दूसरा मशीन इसको डिटेक्ट कर सकता है, तो इस प्रकार से ये डिटेक्शन काम चलता है। उसके विपरीत नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो नाम से ही सिद्ध है ये 25 से 100 मीटर तक चलता होगा, तो ये नियर फील्ड है, तो मतलब ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स तक डिटेक्ट करेगा। जैसे कि ये एप्पल पे वाला सिस्टम, आपके पास एप्पल का मोबाइल है या फिर उसका वो रिस्ट वॉच है, तो वो टर्मिनल से बस उसको टच भी नहीं करना, ऐसा बाजू से धीरे से हल्का आप ले जाओ और अपने आप ही पिज़्ज़ा का पेमेंट करना है, रेलवे का पैसा देना है, वो काम हो जाएगा। सो दैट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई फाइल शेयरिंग करना है, कॉन्टैक्ट शेयर करना है, वो भी हो सकता है। सो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, डेटा शेयरिंग पॉसिबल यूजिंग इनक्रिप्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो टेक्नोलॉजी। बट समस्या क्या है कि थोड़े सेंटीमीटर तक ही वो डिटेक्ट करेगा। एप्पल पे इज एन एग्जाम्पल, क्या हम बोल सकते हैं बी मैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनएफसी? आंसर इज नो, क्योंकि वहां तो एप्पल के अंदर भी आपने वो ऐप इंस्टॉल कर दिया तो भी मैन्युअली आपने वो
ओटीपी वगैरह डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं छू के भीम ऐप चली गई और पैसा कुछ ट्रांसफर हो गया। खैर 2015 में इतने में से प्रश्न पूछा कि भैया नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सही विधान कौन से हैं। पहला, इट इज अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वाकई सही है। एनएफसी डिवाइस कैन बी यूज एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर, गलत वाक्य, ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स। एंड थर्ड, एनएफसी यूजेस इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो ये भी सही है, ऐसा सही है और कॉमन सेंस से भी सही है। एनक्रिप्टेड नहीं होगा तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपना पैसा ट्रांसफर करेगा। सो बाय एलिमिनेशन यू कैन गो, और आपको पता चलेगा कि सही और गलत वाक्य कौन से है। दूसरी एक बात, मान लो कि इसके बदले ये पूछा जाए, ये तो था कि करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो, तो हमको पता चलेगा C 1 and 3 आर करेक्ट और नंबर 2 इज रॉन्ग। बट आपको ऐसा पूछा जाता कि फाइंड इन करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या जवाब होगा? तब होगा कि बी ओनली 2 इज इन करेक्ट, है ना। एज सच यूपीएससी की परीक्षा में जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, यूजुअली दे आर आस्किंग फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, बट बीच में एक दो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं फाइंड इन करेक्ट, तो आपके दिमाग में तो सही आप समझ रहे हो, लेकिन जब ओएमआर में टिक करोगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर भी लोग सी टिक करके आ जाएंगे। तो हमेशा आप आदत रखिए कि जब भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो तो क्या पूछा है उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में सर्कल कर लो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, उस हिसाब से, ताकि टिक करने में गलती ना हो। आगे, ये 3D सिक्योर टेक्नोलॉजी क्या है? 3D मतलब 3 डोमेन होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने गए तो अमेजोन पे आपका ऑथेंटिकेशन, फिर जो सपोज SBI का क्रेडिट कार्ड है और मास्टर कार्ड वालों ने बीच में प्रोवाइडर हैं तो उनका ऑथेंटिकेशन है, SBI का खुद का तो है ही। सो ऑथेंटिकेशन इज डन एट 3 डोमेन्स यूजिंग XML प्रोटोकॉल, क्योंकि RBI ने ऐसा ही शर्त की है। प्रैक्टिकली ये ऐसा दिखता है कि आपने कुछ शॉपिंग किया और आप गए तो मास्टर कार्ड का लोगो दिखेगा आपकी बैंक का, और OTP यहाँ पर आपने डालना है। खैर, अपने लिए बैंक की परीक्षाओं के लिए ज़्यादा काम का है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसके अंदर बैंक मनी, और बैंक मनी के अंदर भी चेकबुक और इस प्रकार की बातें मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ा दी। अभी के लिए अपना फोकस है दिस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स के अंदर भी ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, दो प्रकार ही होते हैं, रियल टाइम या डिलेड सेटलमेंट। तो फिर वहां पर ये नेफ्ट RTGS इंक्लूडिंग कार्ड पेमेंट तक मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, और ये सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसके 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार मैंने आपको पढ़ा है, कार्ड पेमेंट है, PPI है, ATM है, फिर ये क्रॉस बॉर्डर वाले 2, फाइनेंशियल मार्केट का 1 और रिटेल मार्केट का 1। तो ये हो गए 7, और इन 7ों को RBI के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। एज सच हमने डिटेल में ATM पढ़ लिया, इंक्लूडिंग द वाइट लेबल ATM, ठीक है, कार्ड पेमेंट वाला नेटवर्क वो हमने देख लिया। बाकी ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह उसके कोई MCQ खास आते नहीं तो मैं वहाँ पर जा नहीं रहा हूँ। डायरेक्टली वी विल फोकस ऑन दिस NPCI, क्योंकि वो ज़्यादा चर्चा में है।